हेलो फ्रेंड्स, डेली टेक ट्यूटोरियल से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आप डेली टेक ट्यूटोरियल्स के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैं रेगुलरली अमेज़ॉन से रिलेटेड या फिर फ्लिपकार्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस बना के डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इनमें से बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनमें मुझे हर 3-4 दिन के आड़े में एक ना एक कमेंट आता रहता है कि अमेज़ॉन से शॉपिंग करना सही नहीं है या फिर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना सही नहीं है या फिर अमेज़ॉन जो प्रोडक्ट भेजता है उसके अंदर से साबुन की टिकिया या फिर पत्थर का टुकड़ा निकलता है या फिर फ्लिपकार्ट जो प्रोडक्ट भेजता है उसके अंदर से उटपटंग सामान निकलता है। तो इस टाइप के कमेंट मेरे को हर 3-4 दिन के आड़े में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने उनसे हमेशा ये पूछा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो हमेशा वो लोग जो कमेंट करते हैं उन लोग मेरे को किसी ना किसी वीडियो का लिंक दे देते हैं, यूट्यूब वीडियो का लिंक दे देते हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर यूज़र प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रहा है और अनबॉक्सिंग करते समय वो ये दिखा रहा है फ्रेंड्स कि जब उसने प्रोडक्ट को अनबॉक्स किया तो उसके अंदर से फ्रेंड्स साबुन की बट्टी या फिर पत्थर का टुकड़ा या फिर कोई भी उटपटांग सस्ता सामान ये निकल रहा है, ना कि मोबाइल फ़ोन निकल रहा है, ना कि कोई कैमरा निकल रहा है या फिर कोई महंगा प्रोडक्ट निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखा हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे जो भी वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं उनमें से 90% वीडियोज़ फेक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इन लोग ये कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जब उनके पास प्रोडक्ट पहुंचता है अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से, उन लोग उस प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फ्रेंड्स उसके डब्बे के अंदर साबुन की बट्टी, पत्थर का टुकड़ा या फिर कोई भी उटपटांग सामान रख देते हैं, फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से प्यार से पैकिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा पैकिंग करना आज की डेट में कोई कठिन काम नहीं है, आराम से पैक हो जाता है। एक बार जब उन्हें पैक कर लिया, अब उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब वो लोग अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई उटपटांग सामान निकलता है, ना कि कोई महंगा प्रोडक्ट या जो भी प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर किया था वो ना निकल के कुछ और ही निकलता है। अब इस वीडियो को फ्रेंड्स इन लोग YouTube में अपलोड कर देते हैं और Amazon या Flipkart जैसी जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं उनकी बदनामी करते हैं। साथ साथ में फ्रेंड्स, इन लोग Amazon के कस्टमर केयर को या Flipkart के कस्टमर केयर को ये वीडियो भेजते हैं और बोलते हैं कि अब रिफ़ंड इशू करो, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट के डब्बे के अंदर से मुझे ये साबुन की बट्टी, पत्थर का टुकड़ा या कोई इस टाइप का उटपटंग सामान निकला है। तो फ्रेंड्स, इनका जो मेन मकसद रहता है वो ये रहता है कि प्रोडक्ट भी निकाल लो और साथ साथ में रिफ़ंड भी ले लो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि YouTube में कुछ ऐसे बहुत ही कम वीडियोज़ हैं जहाँ पर सच में दिखाया गया है कि सच में कुछ गड़बड़ हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या फिर कोई कस्टमर या फिर ग्राहक डिलीवरी पर्सन यानी मतलब जो प्रोडक्ट को डिलीवर करने आया है उसके सामने जब डब्बे को खोल रहा है तो उसके अंदर से या तो कुछ भी नहीं निकल रहा या फिर फ्रेंड्स साबुन की बट्टी निकल रही है या फिर पत्थर का टुकड़ा निकल रहा है। तो इस टाइप के जो वीडियोस हैं फ्रेंड्स वही सही हैं या फिर लेजिट हैं, बाकी जितने भी वीडियोस हैं 90% वीडियोस हैं ये फेक हैं। तो आप इन पे भरोसा मत कीजिए। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि मैंने अमेज़ॉन से आईफोन SE ऑर्डर किया था और जो बहुत ही बढ़िया पैकिंग के साथ मेरे पास आया। मेरी कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, बहुत छोटी सिटी है, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया पैकिंग के साथ आया, बॉक्स पैक आया, सील्ड पैक आया। और फ्रेंड्स, मैंने इसको जब अनबॉक्स किया तो बिल्कुल सही प्रोडक्ट निकला, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी डैमेज नहीं था। आज की डेट में भी मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, कोई मेरे को परेशानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं इस कारण से बना रहा हूँ कि अगर इनके साथ कोई अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से कोई भी महंगे प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप या कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो फ्रेंड्स हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब वो प्रोडक्ट डिलीवरी पर्सन मतलब जो डिलीवर करने आता है वो लेके आता है, तो फ्रेंड्स आप अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर को बोल दीजिए या फिर किसी अपने फ्रेंड को बोल दीजिए कि डिलीवरी पर्सन के सामने आप उस प्रोडक्ट को जब खोलेंगे, अनबॉक्स करेंगे, तो वो उस
अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाते रहे। तो फ्रेंड्स इससे ये होगा कि जब आप जो डिलीवरी पर्सन के सामने प्रोडक्ट को अनबॉक्स करेंगे और इनकेस अगर प्रोडक्ट डैमेज निकलता है या फिर फ्रेंड्स उसमें कुछ भी नहीं निकलता है उस डब्बे के अंदर, या फिर साबुन का टुकड़ा निकलता है या पत्थर का टुकड़ा निकलता है इस टाइप का, तो उस केस में फ्रेंड्स आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वाले को डायरेक्ट मैसेज कर सकेंगे वीडियो सहित कि आप देखिए कि मैंने आपके डिलीवरी पर्सन के सामने इस प्रोडक्ट के डब्बे को अनबॉक्स किया है और इसके अंदर से या तो प्रोडक्ट निकला ही नहीं, या फिर जो प्रोडक्ट निकला वो टूटा निकला, या जो भी परेशानी आपको, वो आप उनको बता सकते हैं वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड्स यही सबसे अच्छा तरीका है प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने का कि आप डिलीवरी जो करने आया उसके सामने करिए और उसका वीडियो बनाइए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम निकलती है तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए, तो उन लोग उचित कार्रवाई करेंगे आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फर्जी वीडियो से दूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।